पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक गाड़ी आई? गाड़ी या मशीन? आपकी मशीन नवीन, उसमें सफाई लालपुर ट्रेन में तो हमने बहुत थोरोली कराई थी सर, लेकिन क्या सर, कुछ नहीं करते हैं, मतलब मात्र जो किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसे समय से सिंचाई के लिए पानी मिले, नहर, बम्बा, माइनर, ड्रेन आदि की समय समय पर सफाई हो आदि, इन सब के लिए जिला सिंचाई बंधु का गठन किया गया है। सिंचाई बंधु की इस बार बैठक विधानसभा चुनाव के बाद लंबे गैप के बाद हुई। सिंचाई बंधु के जिला उपाध्यक्ष सुधीर रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस बार जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड और जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। इन सब अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बोलती बंद कर दी। बैठक के बीच खड़े होकर किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बचन सिंह, एसडीओ राकेश कुमार, नवनीत गर्ग पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं एसडीओ नितिन गर्ग पर तो भ्रष्टाचार के आरोप उनके मुंह पर ही जड़े। पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक गाड़ी आई? गाड़ी या मशीन? आपकी मशीन नवीन, उसमें सफाई लालपुर ट्रेन में तो हमने बहुत थोरोली कराई थी सर, लेकिन क्या सर, कुछ नहीं करते हैं, मतलब मात्र जो किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। चल चल कुंभी हर बार आपकी रह जाती है, मतलब थोड़ा सा ऐसा है सड़क के सारे कर दिया, इधर से कर दिया, उधर से कर दिया। कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है तो उसको करा देगा, जहाँ जल भराव की समस्या पैदा होती है उसकी रिपोर्ट करवा देंगे 15 दिन से पहले। मैं ग्राम सोन से बिलोंग करता हूँ, गोवर्धन क्षेत्र के खूंटल पट्टी का ग्राम सोन से बिलोंग करता हूँ। जिनका जवाब ना तो अधिशासी अभियंता बचन सिंह दे सके और ना ही एसडीओ नवनीत गर्ग। किसानों का आरोप है कि अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं, लेकिन वर्षों से उनके नहर, बम्बा, माइनर की खुदाई नहीं हुई और ना ही उसकी सफाई हुई। झूठ बोल रहे हैं, सौ किसान पिछले में किसान की जमीन सूखी पड़ी और 5 किसान की हो गई उसकी सर्वे। बैठक के बीच में एक अजीब नजारा उस वक्त देखने को मिला जब जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने बैठक के बीच में हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने कहा कि किसानों की समस्याओं की महत्वपूर्ण बैठक है और वह किसानों के हिसाब से ही चलेगी। इस बीच जब जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया तो सुधीर रावत ने उन्हें बीच में ही चेतावनी देते हुए कह दिया कि ये बैठक उनकी अध्यक्षता में हो रही है, इसीलिए उन्हीं के हिसाब से चलेगी, आप हस्तक्षेप ना करें। देखिए संवैधानिक रूप से बैठक की अध्यक्षता मैं करता हूँ, इसकी प्रोसीडिंग तो मेरे हिसाब से चलेगी। आपकी कोई समस्या है तो आप रख सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? मैं हाँ अध्यक्ष हूँ। जिला सिंचाई बंधु सुधीर रावत इतना कहने के बाद फिर तो जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी 3 घंटे तक शांत बैठे रहे और बैठक सुचारू रूप से चलती रही। इधर किसानों की शिकायतों पर बार बार झूठ बोल रहे अधिशासी अभियंता बचन सिंह को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जमकर लताड़ लगाई। जिलाधिकारी ने पूछा कि कहां कहां आपके द्वारा सफाई के कार्य कराए जा रहे हैं, तो सुधीर रावत ने 35 नालों पर काम कराए जाने की बात कह दी, लेकिन जब जिलाधिकारी ने सूची मांगी तो अधिशासी अभियंता उनके एसडीओ और जेई 35 नहर बम्बा नाले की सूची उपलब्ध नहीं करा पाए और बगले झांकने लगे। हाँ बताएं, परोली ड्रेन, ईस्ट तरोली ड्रेन, संकेत एसडीओ हैं आप? कितने एसडीओ हैं? दूसरे एसडीओ साहब वहाँ पर मुझे पीछे है, आपके क्षेत्र में हो रहा है कोई ड्रेन की सफाई का काम? अभी शुरू नहीं हुआ, तो ये तो 4 ही हुए एक्सीडेंट साहब, 6 की सूची थी ना, बाकी तो किसके क्षेत्र के हैं?
अभी यहाँ पर ही नोट कराना है ना, सभी हमारे किसान भाइयों को जानकारी होनी चाहिए। सिरसा वाला जो है, सिरसा से मछली मतलब वहाँ पहुँची नहीं है, इसे हमें समय नहीं मिल पा रहा। नहीं, आप लोगों की देखिए जानकारी में रहेगा तो आप देख पाएंगे कि कीचड़ जैसी स्थिति होती है, तो मनरेगा की जो लेबर है वो काम नहीं करती है, पूरे जिले में काम नहीं करती मनरेगा की लेबर। नहीं नहीं, जब वो सिर्फ ड्राई मैच तो वो करती है, बाकी जहाँ जलकुंभी हमेशा भरी रहती है, कीचड़ रहती है, क्योंकि मनरेगा से हमने कराया था सर 2021 में कराया था सर, हमारे सामने तो सारी समस्याएं हैं किसानों की, इतना कुल मिलाकर इस बार की सिंचाई बंधु की बैठक से ये तो साफ हो गया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं और करोड़ों रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग कर बंदरबांट करने में लगे हुए हैं। किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। अब देखना ये है कि इतना सब कुछ सामने आ जाने के बाद भी जिले के आला अधिकारी सिंचाई विभाग के इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाते हैं।